हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 12th अक्टूबर, शाम के बज रहे हैं 7:15 और हम आज एक नई ट्रिप के लिए निकलने वाले हैं जो है केदारनाथ। बहुत एक्साइटेड है मैं इस ट्रिप के लिए, क्योंकि हम वैसे तो चाहते थे कि हम पहला ट्रिप बनाएं, पहला व्लॉग बनाएं केदारनाथ का, क्योंकि इट्स अ होली प्लेस एंड वी हैव नेवर बीन टू केदारनाथ। और हमारा हमेशा से सपना रहा है कि यार केदारनाथ को ट्रैवल करना ही करना, क्योंकि बेसिकली सच बताते हैं तो सुशांत सिंह राजपूत का जो सीन था बेसिकली जब वो ऐसे टर्न होता है एंड वो पीछे जाता है, वो माइंड ब्लो कर दिया था उस सीन ने। एंड साथ में ही अमित त्रिवेदी का म्यूजिक वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग, और हमने सोचा था यार केदारनाथ जरूर जाना है। सुना भी था बहुत अच्छी जगह है। और लास्ट ईयर आपको पता ही है कोविड के टाइम पे 2020 में बहुत लोग गए थे, सबकी स्टोरी देख के बहुत फोमो हो रहा था, बट वी आर बैक। अब हम जाने वाले हैं और हमारा प्लान अलग ही दो दिन पहले ही बना। रात को आई गेस एकदम से केदारनाथ का थोड़ा अपडेट मुझे मिला कि रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट हो गई हैं। एक्चुअली प्लान बना था हमारा स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर, बट उस टाइम पे कोविड की गाइडलाइंस ये चल रही थी कि तुम्हें ई पास की जरूरत पड़ेगी, बट क्या एंड उस टाइम पे क्या था, 15th ऑफ अक्टूबर कोई भी ई पास की एंट्री अवेलेबल ही नहीं थी। जब कोविड की गाइडलाइंस चेंज हुई तो हमने सोचा कि यार अब निकल जाते हैं। और हमारा प्लान बना है बेसिकली, मैं, यश, इस बार हम अकेले नहीं जा रहे हैं, इस बार दक्षेश हमारे साथ है। दक्षेश इज बेसिकली माय स्कूल फ्रेंड, मेरा क्लासमेट, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और उसका भी एक चैनल है, वो गेमिंग करता है, लाइफस्टाइल करता है, शैंक्स। उसका डिस्क्रिप्शन में चैनल मिल जाएगा, आप बिल्कुल चेकआउट करिएगा। और अभी के लिए बस यही है कि मैं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ, ये रेडी खड़ा हुआ है, हमने पैकिंग बहुत जल्दी जल्दी में किया है, और आई डोंट नो अगर हम कुछ भूल रहे हैं कुछ, वैसे हम एक्साइटेड बहुत है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल यही है कि हम लोग जल्दी से रेडी हुए हैं, रेडी होने वाले हैं। मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने के बाद मैं रेडी होने के बाद मिलता हूँ, और फिर वील बोर्ड डेली मेट्रो, और फिर हमारा कश्मीरी गेट, एंड वील अपडेट यू। साथ में बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ गुलियानी ब्रदर्स। ये कौन सा चैनल था, गुलियानी ब्रदर्स, तो देखते रहिए हमारे साथ गुलियानी। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए जरूर। ओके बाय। अब दक्षेश आएगा, उसके बाद उससे मिलवाते हैं, उसके बाद चलते हैं ट्रिप पर, ट्रिप। ओके बाय। सो रेडी हो गया हूँ, मैं रेडी हूँ, यश दक्षेश को लेकर आ गया, एंड ये हमारे बैग्स एंड सब कुछ रेडी है, सब कुछ ले लिया है, लग तो यही रहा सब कुछ ले लिया, बट आगे का भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये रहे दक्षेश और यश। हेलो, क्या है और भाई चोर, लेट्स गो। हां भाई, अरे तेरे सिनेमैटिक यूज कर लूंगा, कॉपीराइट नहीं मारेगा ना। हैं सही होता, दिस इज व्हाट यूट्यूबर्स टॉक अबाउट। हैं भाई प्लीज, भाई भाई एक मिनट, फोन ही ला ले। आजा, ओके। सो गाइस अभी निकल रहे हैं, एंड अभी आई गेस शायद हम लेट हो गए हैं। दक्षेश, ओए बस कितने बजे की है? 10:30। चल बढ़िया, फिर पहुंच जाएंगे। और ये हमारा ये क्या है, अरे बस वाले गाइड हूं मैं, सबसे सारा मैंने करा सिस्टम। हेलो हेलो, थैंक्स गाइस, हेलो। हां क्या हुआ, 6:30 बजे। अरे हाँ, एक तो स्कैम हो गया हमारे साथ, थोड़ा सा स्कैम क्या हुआ है दक्षेश बताएगा। 6:30 बजे फोन मिला के बस वाला कह रहा है, भाई साहब बस खराब हो गई है, पर हम आपके लिए वोल्वो बुक कर देंगे भाई साहब। ना ठीक है भाई साहब, कर दिए वोल्वो। कह रहा ओके, तो पर सो के नहीं जा पाएंगे भाई, स्लीपर प्रॉब्लम वही है यार। एक्चुअली हमारी स्लीपर बस थी, बट वो खराब हो गई है, अभी मुझे अभी जस्ट अभी पता चला, यश को पहले से पता था, इसने मुझे बताया नहीं है। भाई क्या हाल है, क्या हाल है, लेट्स गो। हम बेवफा हरगिज ना थे, क्या बात, क्या बात। चलो मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक, एक दिन पूरा एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगा, मजा आएगा। कभी कल वाला ना, मोस्ट प्रोबेबली ये सीन है कि 16 को आने का सीन करेंगे। हाँ। पर अगर पैसे कम लगते हैं और सब सीन सेट जाता है तो एक दिन एक्सप्लोर करने का बढ़ा सकते हैं, और कुछ नहीं, मजा आएगा। तो अभी के लिए हमारे ट्रिप का बजट बहुत लिमिटेड है, बट आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और वी अपडेट यू जैसे भी सब कुछ चलता रहेगा। और अभी के लिए टाटा बाय बाय, तो नहीं चलते, नहीं ऐसे नहीं करना होता यार, मैं बार बार ऐसे क्यों कर देता हूँ। ओके बाय स्थिता। सो वे हेयर वी आर एट मोरी गेट, दिख रहा होगा अगर आप लोगों को तो। और हम लोग मेट्रो से पहुँचे थे, बट थोड़ा सा लेट हुए, बट थैंक गॉड बस अभी तक खड़ी है, सही सीट्स है,
बस हालांकि हमारी स्लीपर बस थी जो कि मैं पहले अपडेट कर चुका हूँ, बट स्लीपर बस में वही है कि उन्होंने चेंज किया या क्या हुआ एग्जैक्टली, वो ख़राब हो गई थी, बट फिलहाल के लिए वो हमारी बस है, वहाँ खड़ी है 444 आई डोंट नो ट्यूरिस है कुछ ऐसे करके, एंड बोला तो है उन्होंने वॉल्वो तो लिखा हुआ है, एंड AC बस भी है, कंफर्टेबल आई डोंट नो, मैं अभी सीट्स पर बैठा नहीं हूँ, बट लेकर चलता हूँ यश और बाकी सब वेट कर रहे हैं, और दिखाता हूँ आप लोगों को सीट्स वीट्स कैसी हैं। And this is our bus. And this is our bus. चलो एक मिनट, ये सस्पेंशन बता रहा है, वो मैसेज दे रहा है। उसके बाद फोटो खिंचवा लेते, क्रिमिनल खिंचवाते हैं उस पर ऐसी हो जाती है भाई, थंबनेल्स के लिए पहले नकली होते हो भाई, इजीली भाई तुम एडिटर साहब लग रहा है भाई, ग्राफिक डिजाइनर होगा भाई, ये इंसान बनाने वाले हैं, स्क्रैच से इंसान बनाते हैं। हां भैया तो पर किस पे बैठा हुआ है तू? शॉर्ट्स में, मैंने यहां के चेंज कर बैठा, किस पे हुआ इतना ऊंचा सीट पे भाई, अच्छा गोडा पैर ऊपर बैठा है तो अभी ये तू चुप रहा बेटा, तू ज्यादा बोल रहा है इस बार, तो पिछली बार कैमरा के पीछे था ना, वही रहना चाहिए तेरे को, वही रहना चाहिए तेरे को, थोड़ा खुल चुका है पहले ब्लॉग में, ऐसा ही होता है, कोई नहीं। और हमारी बस रुकी है ये शिवा पंजाबी टूरिस्ट ढाबा पे, और ये हमारे बाकी के यात्री लोग चाय 3 बज रहे कुछ तो सोच लो, नींद आ गई थी भाई चाय से, नींद खुली है भाई, 3 बजे नेवले निकलते हैं। हाँ भाई कहाँ पे है? चाय ब्रेक, चाय ब्रेक, हाँ चाय ब्रेक सही है, चाय अबू धाबी जैसी है एकदम। कितना टाइम कितना हो रहा है? 2:43 बस कट गए, 2:43 सब पूरे कितना हो रहा है? 2:43 टाइम था, हैं टाइम था 2:43 भैया, 2:43 एम आई वॉच है यार, इनकी चाय खत्म हो रही है, चाय नहीं खत्म हो रही है भाई, भाई वो रोज चाय पीने वाले, चाय के नशे करने वाले लोग हैं, चाय से नशे करने वाले लोग हैं यार, चाय सच बताइए, वो चाय में मजा आया नहीं आया, चाय के नशे करता नहीं है, चाय में मजा ही नहीं, ले भाई गलत सीन चल रहा है, लिक्विड वाला नहीं है, तुमने वो सीन नहीं देखा भाई, ये 5 बूंद डालता है वो, यहाँ तक लगा ले इतना होता है वो, 4 बजे की परेड। ओके गाइस तो अभी हमें आई गेस ढाबे से निकले हुए आधा घंटा ही हुआ था, और ये अरे नहीं जगह कौन सी है, बट ये हमें हरिद्वार से पहले ही एक थोड़ा सा चेक पॉइंट है जहाँ पर ये वैक्सीन के लिए चेक हो रहा है कि जिनको दोनों डोजेस लग चुकी हैं उनको सर्टिफिकेट दिखाना है, और जिनको एक डोज लगी है उनको RT-PCR कराना है, और उसमें से हमारा एक डिफॉल्टर फ्रेंड शामिल है, ये डिफॉल्टर फ्रेंड मेरा ये दक्षेश, हाँ डिफॉल्टर डिफॉल्टर कहीं तो छोड़ दे, हमेशा लाइनों में लगने की आदत हो गई, फर्स्ट डोज वाले लोग हैं भाई, 2 डोज ही लगा सकता था, अच्छा वाला बस में बैठा होता अभी, ऐसा आदमी है फिर गंदे गर्मी में बैठता ना, मेरी वजह से बाहर ठंड हो ना क्या भाई, अच्छा अच्छा न्यूज रिपोर्टिंग भी कर पा रही इसी वजह से वो। भाई उसको तो
जस्ट अभी ऋषिकेश टच डाउन किया और बस ने हमें एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर उतारा और हम निकलते ही ये पीछे होटल एक्यूरेट यहाँ घुस गए क्योंकि हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, बहुत 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 थक गए हम लोग क्योंकि बस कंफर्टेबल नहीं थी। और अगर मैं आपको ऋषिकेश का थोड़ा सा व्यू दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा व्यू है जहाँ पे हमने ऋषिकेश में बेसिकली बस स्टैंड है और ऋषिकेश बस स्टैंड पर हम लोग हैं। ये सारी प्राइवेट बसेस है और यहाँ पर हमें मिलेंगी गवर्नमेंट बसेस जो सोनप्रयाग के लिए जाएंगी। और अभी के लिए यही है कि हम लोग बस अंदर जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे की जर्नी प्लान करते हैं कि कैसे करनी है। तब तक के लिए ये जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे दोस्त लोग, हाँ भाई क्या सीन? कुछ नहीं भाई, खाना खा रहे हैं। खाना खाना है, उसके बाद निकलते हैं। यो कितने बजे की बस है? अभी देखेंगे, अभी कुछ देखा नहीं है। 10 बजे हम नहीं, 8:30-9 के आसपास निकल जाएंगे। व्यू काफी अच्छा है। गवर्नमेंट बस मिलेगी ना तो वो पकड़ेंगे, प्राइवेट। हाँ प्राइवेट नहीं यार, प्राइवेट बहुत दिक्कत कर दी यार। नींद आ रही है, कोई ऐसी बस मिल जाए जिसमें सो ले। नहीं मिलेगी, स्लीपर तो नहीं मिलेगी बिल्कुल। यो रिचार्ज भाई, मैं हर चीज में ठीक रिचार्ज, मैं कड़ी के साथ तक ठीक था भाई। मैंने मैगी के साथ भी देखा भाई। अब तू भाई, अब इसके बाद थप्पड़ मार भाई। मैगी के साथ दही खाते हैं, बैंगन तक खाते हैं। क्या वो भी खाते हैं? नहीं, शक्ल दिखा। मैगी के साथ दही, मैंने पिज्जा के साथ दही खाई हुई है। ये मैगी के साथ दही खाते हैं लिटरली, ऐसे डाल डाल के साथ भी खा सकता हूं ऐसे बेइज्जती मत करो भाई। दही में किसी भी चीज के साथ, मैंने पिज्जा के साथ दही खाई हुई है। मैंने अचार किसके साथ? पिज्जा के साथ। पिज्जा के साथ दही तो YouTube पे वायरल है। अबे भाई नहीं, भाई दही एवर की होती है भाई, दही अमृत है भाई। अरे वो छोड़, भाई मेरे को घर पे रोस्ट मारता है ये मैगी के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है अब बताओ, मैं दक्षेश खाता है भाई, मैं खाता हूँ भाई। उसके बाद घूमेगा। पहले बता तू क्या करता है, मैगी में दही और तू पिज्जा, और तू पिज्जा में वो मैगी में भी शर्म आती है। पहले आती थी दही से, पहले आती थी बेच दी, उसी के पैसे से तो ट्रिप पे आया। अरे भाई खाना खा यार, गरम पराठा। और ये क्या है? ये एक प्लेट है। ये क्या चीज है? क्या खा रहा है? ब्रेड किचन